तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट बना लिया है और उसको जो है अब आप फोन पे से ऐड करना चाह रहे हैं, उसका यूपीआई कैसे सेट करना है, कैसे उससे मनी ट्रांसफर करना है, मतलब आपका जो है अकाउंट बनकर तैयार हो गया, आपके पास वर्चुअल कार्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब आपको जो है उससे यूपीआई आईडी से, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, उनसे पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं किसी भी अदर अकाउंट में या आप जियो पेमेंट अकाउंट में, कैसे आपको जो है फोन पे से उसको लिंक करना है, पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। देखिए आपको कैसे जो है उसको लिंक करना है। सबसे पहले तो भाई आप फोन पे को डाउनलोड कर लो, अगर आपके फोन में फोन पे ऑलरेडी है तो फिर इसमें आपको अकाउंट ऐड करना है, अगर नहीं है तो एक बार इसको डाउनलोड कर लो और यहाँ पर फिंगरप्रिंट देकर या स्क्रीन का लॉकर देकर इसको जो है आप लॉगिन कर लो। उसके बाद देखिए, अगर पहले ही आपने इसमें कोई अकाउंट ऐड करके रखा हुआ है तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आपका कोई भी अकाउंट इसमें ऐड नहीं है, फर्स्ट टाइम आपने जो है फोन पे ओपन किया है, तो आपको यहीं पर ऊपर से हो जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन। तो अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे जो है ऑप्शन सारे मिल जाएंगे जैसे आपको उसमें मिलते हैं गूगल पे में, पेटीएम में, फोन पे में, सबके सेम ऑप्शन होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन शो होता है, आप इस पर चले जाओ। यहाँ पर जैसे ही आप यहां पर जाओगे, यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आपका नाम शो हो जाएगा, यहां पर आपको आपकी यूपीआई आईडी शो हो जाएगी, जो आपकी पुराना आपने अगर कोई इसमें अकाउंट नंबर जो है ऐड करके रखा हुआ है। अब हमें इसमें नया अकाउंट नंबर ऐड करना है, तो ये देखिए ये रहा बैंक अकाउंट, ये रहा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये फोन पे वॉलेट हो गया, ये फोन पे गिफ्ट कार्ड हो गया, मतलब ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हो। अब हमें करना है अपने फोन पे से जियो बैंक का जो अकाउंट है हमारा उसको ऐड करना है, उसका यूपीआई सेट करना है यानी कि ट्रांजेक्शन पिन सेट करना है और मनी ट्रांसफर करना है, वो सब चीजें करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट पर आप आ जाओ। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट पर आने के बाद अगर आपने पहले कोई अकाउंट ऐड करके रखा हुआ तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें करना है भाई नया अकाउंट ऐड, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो हमें जो है यहीं पर क्लिक कर देना है भाई इस पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर आपका फिर से नंबर आ जाएगा और कहेगा कि आप जो है यहाँ से जो भी बैंक ऐड करना है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप जो है लिख कर जो है सर्च कर लो ऐसे जियो पेमेंट बैंक, ये देखिए सबसे ऊपर ही आ गया भाई जियो पेमेंट बैंक एकदम से, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए फाउंड जियो पेमेंट अकाउंट, मतलब इसने जो है हमारे मोबाइल नंबर से ही हमें जो है हमारा अकाउंट फाइंड कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप फोन पे लॉग इन करोगे तो आपको फोन पे जो है भाई उसी नंबर से लॉग इन करना है जिस नंबर से आपने जियो पेमेंट बैंक का अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसी नंबर से आपको फोन पे लॉग इन करना है और वही नंबर आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, मतलब वो फोन नंबर जो है आपका सब जगह लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो है पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर जो है फाइंड किया अपना बैंक जो है जियो पेमेंट बैंक, तो यहां पर आ गया, देखिए हमारे बैंक अकाउंट का नाम आ गया सब कुछ, ये देखिए जियो पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर आ गया, आरटीजीएस, और ये देखिए नाम भी आ गया और आईएफएससी कोड भी आ गया, सब कुछ आपको यहां पर शो हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि यहां पर आप जो है अपना यूपीआई सेट कर लो, ये देखिए सेट यूपीआई पिन सबसे नीचे आपको शो हो जाएगा, तो आपको यहां पर यूपीआई सेट करना है, सेट यूपीआई इस पर आप क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आ गया आधार नंबर लिंक विद बैंक, मतलब हमारा आधार नंबर बैंक से लिंक है तो हमारा तो ऑलरेडी है, या डेबिट कार्ड, प्लीज कीप योर डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड हैंडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो गया। आप यहाँ से जो है जो भी आप करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हो, अभी हम जो है ऊपर वाले से कर लेते हैं, या आपको अगर मैं दिखाता हूँ वर्चुअल कार्ड से, मतलब वर्चुअल कार्ड है तो हम डेबिट कार्ड से ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे आएंगे भाई प्रोसीड पर, हमने कर दिया प्रोसीड। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पर अपने जो है आप जियो पेमेंट बैंक का जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है उसको आपको डेबिट कार्ड मिला है, तो डेबिट कार्ड के आपको लास्ट के 6 डिजिट यहां पर एंटर करनी है, यहां पर ये देखिए ये वाला सेक्शन है, यहां पर आपको एंटर करनी है और यहां पर आपको उसकी वैलिडिटी एंटर करनी है, तो तभी जो है आपका यहां से प्रोसीड होगा, आगे का जो है ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो अब आपको भाई यहाँ पर अपना वर्चुअल कार्ड देखना है जियो पेमेंट बैंक का, उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, मतलब आप जो है अपना वर्चुअल कार्ड भाई जियो के एप्लीकेशन में जाकर भी देख सकते हैं, नहीं तो आपने जिस एप्लीकेशन में अपना जो है बैंक अकाउंट ओपन किया है जियो फाइनेंस में उस पे ही आपको चले जाना है। अगर आप इसमें नहीं मिलता है तो फिर आपको जियो में चले जाना है, वो भी आपको बता दूंगा। तो देखिए जियो फाइनेंस बैंक एप्लीकेशन में हम आ गए, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है अपना वर्चुअल कार्ड, उसके लिए यहाँ पर आ जाओ नीचे बैंक वाले सेक्शन में, ये बैंक वाला सेक्शन आ गया नीचे, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कहेगा कि आप अपना जो है 4 डिजिट का एम पिन जो आपने सेट किया था जियो पेमेंट बैंक का वो डाल दो, या फिंगरप्रिंट आपने सेट किया था वो डाल दो। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए योर डेबिट कार्ड इज हियर, ये आ गया हमारा डेबिट कार्ड ये वाला। अब यहाँ से इसको देखना है व्यू कार्ड करके, मतलब यहाँ से इसका नंबर आ जाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, इसका सीवीवी आ जाएगा, तो हमें कर देना है यहाँ पर व्यू कार्ड पर क्लिक। देखिए यहाँ पर कर दिया व्यू कार्ड पर क्लिक, ये आ गया भाई, ये देखिए योर कार्ड इज ऑल सेट स्वाइप अवे, हमारा कार्ड आ गया और यहाँ पर ये देखिए नंबर और जो है नाम आ चुका है और यहाँ पर आ गया सीवीवी। अब आप कहोगे भाई ये तो हमें शो ही नहीं हो रहा है,
तो शायद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना शो हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये आंख वाला बटन शो होता है तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो है डेबिट कार्ड का पूरा नंबर शो हो जाएगा, और यहाँ पर इसको अनेबल करोगे तो यहाँ पर आपका CVV शो हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार करके देखता हूँ, अगर आपको शो हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है वो शो नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ आई के बटन पर, आंख के बटन पर क्लिक, तो मुझे शो हो गया CVV देखने के लिए। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर CVV शो हो गया मुझे, और यहाँ पर डेट ऑफ जो है इसकी डेट आ गई, यहाँ पर वैलिडिटी डेट ये भी मुझे शो हो गई। तो अगर आपको शो हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे करके यहाँ से जो है अपनी डेट देख लेना, अपना नंबर देख लेना और उसको कहीं पर नोट कर लेना, और फिर से वापस आ जाना आपको अपने जियो पेमेंट बैंक को जो ऐड करने का जो प्रोसीजर हम फोन पे में कर रहे थे फोन पे में। और भाई अगर आप जो चाहते हैं जियो एप्लीकेशन है आपके पास है उसमें से चाहते हैं देखना, तो उसके लिए भी आप भाई जियो के एप्लीकेशन में जाओ, माई जियो के एप्लीकेशन है उस पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक का। तो आप यहाँ पर बैंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर अपना एमपिन डाल देना है जो भी आपका होगा, ऐसे एंटर करोगे तो फिर से आपको यहाँ पर जो है बैंक वाले सेक्शन पे ले आएगा। और यहाँ पर आपको जो है नीचे आपका प्रोफाइल का आइकन शो होगा, ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको ये प्रोफाइल, या आपको ऊपर भी हो सकता है अगर आपके एप्लीकेशन जो है अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर प्रोफाइल में आ जाओ आप। अब यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपकी शो हो जाएगी, आपका एड्रेस वगैरह, आपका अकाउंट नंबर जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, और ये जो है सेविंग अकाउंट, और ये रहा आपके कार्ड का नंबर, ये वाला जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला। इसे अगर आप देखना है, अगर आपको वहां शो नहीं हुआ था तो शायद यहाँ हो जाए, यहाँ भी आंख का बटन है तो यहाँ पर आप देख लो, इस पर क्लिक कर लो तो यहाँ पर आपको जो है आपकी आंख का बटन मतलब आपका डेबिट कार्ड आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आंख के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो इस पर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल यहाँ से भी आपको शो हो जाएगी। शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना जो हो शो हो तो आप देख लेना। अब हमें सारी डिटेल यहाँ पर शो हो गया, अब वापस से आना है फोन पे पर। तो हमने यहाँ पर देख लिया भाई, एक बार जो है यहाँ पर हमारा जो नंबर था वो यहाँ पर डाल देते हैं हम, जो हमारे डेबिट कार्ड का नंबर था। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है लास्ट के डिजिट डाल दिए हैं, और यहाँ पर वैलिडिटी जो है डेट डाल दी है जब तक वैलिड है जो हमारा डेबिट कार्ड है, उसके बाद कर देना है नीचे प्रोसीड। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक OTP आएगा, वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट करके ले लेगा। अब आपको नीचे से टिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर एक UPI पिन सेट कर लेना है, जो भी आपका मनपसंद UPI हो जिसे आप याद रख सकते हैं वो आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। यहाँ पर मैं एक सेट कर लेता हूँ अभी के लिए, तो ऐसे ही आपको सेट कर लेना है और दो बार आपको इसको कन्फर्म कर देना है, मतलब दो बार डालना है जिससे कन्फर्म हो जाए, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक करोगे तो यहाँ से ये देखिए आपका जो है अकाउंट भी ऐड हो चुका है, आपका UPI ID भी सेट हो चुका है। देखिए रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ पर आपकी UPI ID आ गई, ऊपर आपकी सारी डिटेल आ गई, बैंक की जो है अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड, और ऊपर इसने दे भी दिया अकाउंट एडिड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप जो है अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर जो है सक्सेसफुली एड कर सकते हो फोन पे से। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर जो है अगर किसी को आप पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं फोन पे से, तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं बैक एक बार जो है होम पेज पर चलते हैं फोन पे के, यानी कि हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं, इसमें है नहीं पर जो है आपको पूरा दिखा दूंगा आप कैसे ट्रांसफर करना है। देखिए हमने यहाँ पर फोन पे ओपन कर लिया, एस इंटरफेस आ गया। अब हमें किसी को यहाँ पर जो है पैसे जो है ट्रांसफर करने हैं, चाहे तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या भाई बैंक ID से कर सकते हैं, UPI ID से, या अकाउंट में कर सकते हैं, या यहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो हम अभी मोबाइल नंबर के थ्रू करते हैं किसी को, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर किया मैंने, और फिर यहाँ पर ऊपर आ गया ये मेरा ये जो है अकाउंट है, इस पर पैसे एक बार ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर जो है अमाउंट ट्रांसफर एंटर करेंगे जो हमें सेंड करना है। अभी मैं 2-4 रुपए डाल देता हूँ, 1 रुपए डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया, देखो भाई जो है अकाउंट सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका जियो पेमेंट बैंक का, तो इस पर क्लिक करोगे ऊपर तो यहाँ पर आ गया, देखिए नीचे वाला जियो पेमेंट बैंक, तो इस पर क्लिक कर दो और यहाँ से कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पर आप जो है इससे पैसे ट्रांसफर करोगे तो देखिए यहाँ पर आ गया पे, और यहाँ पर जो है आप अपना UPI पिन जो अभी आपने सेट किया है ट्रांजेक्शन पिन वो ऐसे यहाँ पर डाल दोगे, तो यहाँ से टिक कर दोगे तो यहाँ से आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। अभी इसमें बैलेंस नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका बैलेंस ट्रांसफर कर हो जाएगा। अभी इसमें नहीं है, देखिए यहाँ पर आ गया कि इनसफिशियंट फंड, क्योंकि इसमें है ही नहीं अभी बैलेंस, अभी ये क्रिएट हुआ है। तो आपको ऐसे जो है अपने जियो पेमेंट बैंक को अपने फोन पे से ऐसे ऐड कर सकते हो और ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे UPI पिन सेट कर सकते हो। तो अगर भाई आप जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एक वीडियो लगा दी, उसको आप जाकर देख लेना कैसे अकाउंट बनाना है। KYC करनी है तो उसके लिए भी एक वीडियो लगा दी, उसे भी जाकर देख लेना कैसे KYC करनी है। और इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप जो है देख भी सकते हो कि कैसे जो है हमें जियो पेमेंट बैंक का KYC और अकाउंट क्रिएट करना है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।